तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 7 ऑफ द माइनक्राफ्ट सीरीज। फिलहाल हम लोग को पोर्क की ज़रूरत है, यहाँ पे सामने दिख चुका है, इसे हम लोग मार के इसका पोर्क ले लें। आगे एक और शीप दिख रही है, इसको भी मार के इसका बीफ ले लेते हैं। तो फिलहाल मुझे सही लग रहा है कि हम लोग अंदर जाके सो जाए। हम लोग अंदर चलते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर। तो गाइस हम लोग सो चुके हैं और अब सुबह हो चुकी है, अब हम लोग बाहर जाके थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। पढ़ने से पहले कुछ इकट्ठा हम लोग कर ले सामान, क्योंकि ये टूल्स का ही हम लोग को आगे जाके ज़रूरत पड़ेगा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि अभी हमने सेटिंग्स पे क्या किया है। मुझे कोऑर्डिनेट्स पता लगाने की ज़रूरत थी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को पता लगा के ही मैं सही जगह पे सही तरीके से इजीली पहुंच सकता हूँ। तो मैं पोजीशन यहाँ पे चेक कर सकता हूँ जिससे एग्जैक्ट जगह पे मैं पहुंच सकूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग अंडरग्राउंड जाएंगे। यहाँ पे एक और लेयर हम लोग का तैयार हो जाएगा। फर्नेस में एक और चीज़ पहले इकट्ठा कर लें हम लोग। भाई कौन कौन से चीज़ों के कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीज़ बनती है, ये चीज़ हम लोग को एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फरने से जो जो चीज़ बना सकूँ वो सब बना लूँ। ये जो एरो पे जो वाइट मार्क होता है, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तभी वो चीज़ हम लोग को बन के रेडी हो जाती है। जैसे चारकोल में अगर हम लोग जो रॉ मीट है उसे डालेंगे तो हम लोग को कुक्ड मीट मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो भाई फ़िलहाल तो बारिश हो रही है तो अंदर ही रहना सही है हम लोग के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि गेम काफ़ी ज़्यादा कार्टूनिश लगता है। अगर आप इस गेम को सही से समझे तो आपको लगेगा कि गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें जानवर से लेके, बारिश से लेके, सनसेट से लेके, पानी से लेके, हर चीज़ हम लोग को मिलेगी जो रियल वर्ल्ड में मिलती है। ये इस गेम को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। इस गेम को जानबूझ के थोड़ा सा कार्टूनिश टच दिए हैं जिससे ये गेम यूनिक लगे। फिलहाल यहाँ अंधेरा है तो हम लोग को टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हम लोग को थोड़ा नीचे मिलेगी, इसीलिए हम लोग को टॉर्च को सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊपर के टॉर्च का जब यूज़ हो जाए उसे हम लोग को इकट्ठा करके नीचे पे लगा देंगे। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग काफ़ी नीचे पहुँच सकते हैं। तो हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं।
हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को लावा दिख सकता है, इससे हम लोग को बचना पड़ेगा। ये जो चमकदार चीज़ हम लोग इकट्ठा किए हैं, ये सिर्फ हम लोग को नीचे मिल सकती थी, इसीलिए हम लोग इतना नीचे आए हैं। तो हम लोग और खोदेंगे तो हम लोग को लावा के कुछ पीसेस दिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर माइनक्राफ्ट वीडियो सीरीज़, एंड आई होप यू आर इन्जॉइंग द वीडियो सीरीज़। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।